1982 की बात है, दिसंबर की सर्द रात में ऑस्ट्रेलिया के कपल के यहाँ बच्चा पैदा होता है। माँ अपने बच्चे का मुंह तक देखने से मना कर देती है क्योंकि नर्स ने उसे बताया कि इस बच्चे के हाथ पैर नहीं है। My parents had no idea that I was going to be born without arms or legs. आज 34 साल बाद वही बच्चा माँ बाप की ही नहीं दुनिया भर के डिसेबल लोगों के लिए मिसाल बन गया है। Give me the strength to get back up. Because no one could heal my heart. No money, no amount of friends, no amount of education or things that I quote unquote needed to get through my daily life. It just couldn't heal my heart. हम बात कर रहे हैं निकोलस जेम्स की, जिन्हें प्यार से निक कहकर पुकारा जाता है। निक म्यूजिक, मोटिवेशनल कोट्स और बुक्स पढ़ने वाले लोग निक की ताकत जानते हैं। वो जो लिखते हैं बस प्रेरणा का जरिया बन जाता है। 6 से ज्यादा बेस्ट सेलर मोटिवेशनल बुक्स वो लिख चुके हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो एक सामान्य आदमी कर सकता है और निक ना कर सकते हो। 3 साल पहले निक की शादी हुई। उनकी वाइफ को गर्व है कि निक उनके हमसफर हैं। He might not be perfect in the exterior, perfect match for me. 2005 से निक एक एनजीओ चला रहे हैं जिसका नाम है लाइफ विदाउट लिम्स। सरकार भी इसे सपोर्ट करती है। इसके जरिए वो दुनिया भर के डिसेबल हताश लोगों में एक उम्मीद जगाते हैं। 2007 में निक ने मोटिवेशनल स्पीकिंग की कंपनी भी रजिस्टर्ड कराई थी। इस साल लव विदाउट लिमिट्स नाम से निक की बुक रिलीज हुई है और पसंद की जा रही है। चलते चलते दिखाते हैं आपको निक म्यूजिक का फेसबुक पेज, जिस पर वो अपना हर मोमेंट फैंस के साथ शेयर करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं। My story is a story of redemption. Help us share it with the world so that others would be free indeed.